ॐ नमासि देव्या नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजाणं नमो लोये सौ मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण <coughs> तत्वा सूत्र की चर्चा अपनी कंटिन्यूस चल रही है और तत्वा सूत्र की चर्चा में कल हमने एक थोड़ी सी जिसे अपन कहें ना कि सर्वत्र तीर्थंकरों का काम बहुत जानने में आता है नारायण पति नारायण चक्रवर्ती का काम भी जानने में आता है मगर कुलकरों का काम क्या है यह कई बार जानने से रह जाता है तो योगा प्रकरण के अंतर्गत हमने ये सारे कुलकरों के नाम और काम को जानने समझने की कोशिश की और ये भी समझने की कोशिश की कि ये कुलकर ऐसी संशय की स्थिति में प्रजा का संशय दूर करते हैं और उन्हें सनमार्ग पर लाते हैं जैसे जैसे अपन कहे ना कि कभी भी कोई छोटा छोटा प्रश्न छोटे बच्चे का कुल के व्यक्ति समाधान करते ना तो प्रजा के तमाम प्रश्नों को छोटे बड़े उन तमाम प्रश्नों को जैसे मान के चलो वो उनके पालक हों ये जानकर समाधान करते हैं इसीलिए उनका नाम कुलकर सार्थक होता है बराबर ना अब जरा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो सूत्र आया था इनकी आयु का और आज कोशिश करेंगे कि मध्य लोक की जो अपनी अक्रम चैत्यालय आदि हैं उसको पूरा करते हुए अपन इस विषय को पूरा करें है ना कि कितने कितने अपने आक्रोत्रिम चैत्यालय आदि हैं मध्य लोक में उन पे भी अपन आज थोड़ा विचार करेंगे ठीक है ना तो अपनी कल की चर्चा यहाँ तक आ गई थी कौन सी थी वो हम्म की थर्टी सेवन नंबर के सूत्र पर और थर्टी सेवन नंबर के सूत्र में ये बताया था कि ये कर्म भूमिया कहाँ कहाँ पर है तो तीन बातें आई थी विदेह क्षेत्र देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर भरत और ऐरावत क्षेत्र ये सब कौन सा एरिया है ये एरिया कर्म भूमियों वाला एरिया है यानी यहाँ पर कर्म भूमि कर्म भूमि मतलब सठ कर्म की व्यवस्था वहां होती थर्टी एट नंबर का जो सूत्र वो जराज विचारूत्र बोलूंगा आप लोग दोहराएंगे ही नुशस्थिति ही बोलिए परावरे 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 त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते त्रिपल्योपमान्तर्योपमान मुहूर्ते बहुत बढ़िया एक साथ बोलने की कोशिश कीजिए निर्षा स्थिति परावरे त्रिपल्योप मानतर मुहुरते रिसर रिसर स्थिति परावरे त्रिपल्योप पमान पमानतर मुहुरते हां मानत मुहूर्त नहीं मानतर मांत मुहुरते ओके okay? मानतर मुहुरते चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि निर्शस्तिति ही मतलब निरी मतलब मनुष्य स्थिति मतलब स्थिति अब मनुष्यों की स्थिति पर अवर बराबर पर मतलब उत्कृष्ट अवर मतलब जघन्य बराबर तो इससे प्रश्न से यह तय होता है कि इस सूत्र में मनुष्यों की स्थिति की बात करेंगे और मनुष्यों की स्थिति कैसी पर मतलब उत्कृष्ट स्थिति और अपर मतलब जघन्य स्थिति तो मनुष्यों की उत्कृष्ट एवं जघन स्थिति कितनी होती है तो सूत्र बताते हैं त्रिपल्योपम और अंतर्मुर्त की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम होती है और जघन स्थिति अंतर्मुर्त होती है क्लियर त्रिपल्योपम अब ये त्रिपल्योपम क्या है त्रिपल्योपम आप समझ दीजिए वही है जो आप पढ़ के आए क्या गड्ढा <laughs> कौन सा गड्ढा है? आ, दो हजार को लंबा चौड़ा भरो बालों से भरो फिर खाली करो फिर जितनी जो आयु बचती है उसे क्या कहते हैं पल्योपम बराबर ना अपन उसके विस्तार तो कब होती है उत, उत्कृष्ट तो पहले नंबर का काल उत्कृष्ट जिसे अपन सुषम सुषमा काल हो कहते हैं वहां पर उत्तम भोग भूमि के जीवों की मैक्सिमम आयु यानी तीन पल्योपम वहां पर आयु होती है बराबर वहां पे कोई अकाल मरण भी नहीं होता इसकी भी हमने चर्चा की कि त्रिकल्य हैं तो त्रिपल्ल्य वाले, वाले ही रहेंगे किसी की कम नहीं होगी और जघन्य किसकी होती है बोले जघन्य बहुतों हो की होती है कि सबसे पहले तो सम्मूर्न मनुष्यों की आयुओ पल्ले जो मनुष्य के रक्त में अंगो पांग में जो समूर्चन मनुष्य होते हैं उनकी आयु वा अंतरमूर्त वाली होती है आप सोचो तो जरा कितने जी और अंतरमूर्त मतलब पूरा अड़तालीस मिनट वाला अंतरमूर्त नहीं लेना 48 मिनट ये तो मैक्सिमम है अंतर मुहूर्त तो चुटकी में भी हो जाता है एक सेकंड के अंदर चुटकी बजी ना अंतर मुहूर्त का टाइम है यानी आपके अनेकों मनुष्य भाव तो ऐसे गए हैं कि जहाँ चुटकी बजी और आपके भाव पूरा हो गया मनुष्य बराबर कैसे हो गया ये सब आपने कभी अच्छे परिणाम किए होंगे तो मनुष्य भाव तो मिल गया लेकिन पुनः पुनः उसमें कोई ऐसा निरंतरता नहीं रही होगी तो निरंतरता नहीं रही होगी तो क्या होता है बोले आयु तो मनुष्य की बन जाती है लेकिन वो कौन सा मनुष्य बनता है बोले वह मनुष्य बनता है और सामूर्चन मनुष्य अंतर मुहूर्त में जन्म लेकर मर जाता है मेरी बात गहराई से समझना क्या बोल रहा हूं मनुष्य गति के योग्य परिणामों का होना और ऐसे परिणामों में ही निरंतर रहना ये दो अलग अलग चीजें हैं प्रवचन अच्छे लग रहे हैं प्रवचन सुनते सुनते परिणाम एक क्षण के लिए बहुत अच्छे हो गए बराबर देखो क्या है कथा ग्रंथ पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई है एक तो जैन कथा ग्रंथ भी पढ़ लिए ऊपर से हिंदुओं के कथाओं के सीरियल देख लिए और उसमें ये समझ लिया कि एक समय में सब काम हो जाता है मतलब वो जिंदगी भर खराब काम करे फिर राम का नाम ले ले जिंदगी भर खराब काम करे फिर नमोकार मन सुन ले जिंदगी भर खराब काम करे शिखर जी की वंदना कर ले सुपात्र दान कर ले ऐसे हमारे मन में एक भ्रम जैसा बन गया है कि खराब काम का निवारण हो जाता है ऐसा हमारे मन में आ गया लेकिन देखो भाई साहब ये ऐसो पंच यारो सव पाव प्रणाशणु सब पापों का नाश करने वाला है ये बात सर्वथा नहीं अगर ऐसा होवे तो तीर्थंकर आदि पापों का नाश करने के लिए दीक्षा क्यों ले नमोकार मंत्र की माला फेरे ना केवल हो जाएगा काम पूरा बराबर लेकिन कथा ग्रंथों से हमारे दिमाग में ये हो गया है <coughs> तो मैं क्या बताना चाहता हूँ समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं समझ लेना आपने एक बार कोई अच्छा काम कर लिया तो वो पूरा का पूरा काम हो गया क्योंकि ये जो समूरछन मनुष्य होते हैं ये कैसे बनते हैं बोले इनकी सीधी गणित है कि एक बार अच्छा परिणाम कर लिया और उस परिणाम के कारण उन्होंने मनुष्य आयु तो बांध ली लेकिन फिर क्या हुआ बोले फिर वैसे परिणाम कंटिन्यूअस उनके रहते नहीं है और कंटिन्यूअस रहते नहीं है तो क्या होता है कि रहते मनुष्य में हैं, लेकिन की। मतलब है लेकिन समूर चंद मन मतलब जैसे कहते हैं लगन में एक तो जाना खुशी से जाना आप देखते हो ना लगन में लगन में दो टाइप के लोग आते हैं एक तो मौज करने के लिए आते हैं जो मतलब महिला संगीत खाना दुल्हन विदाई हर चीज को वो एंजॉय करते हैं क्लोज वाले जो फ्रेंड होते हैं बराबर और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनको व्यवहार साचावा रसोई से उन लोगों की वृत्ति बड़ी आसान होती है वो आएंगे जल्दी जल्दी आएंगे दुकान से और देखेंगे वो कहा गया और जैसे दिखा हाथ दिखाया अब उनको काम कर चेहरा दिखा दिया ना इतने बात पूरी अब खाएंगे अब दुल्हन जाए तेल लेने दूल्हा जाए तेल लेने रिश्तेदार जाए तेल लेने किसी से कुछ मतलब उन्होंने चेहरा देखा कि हाय कह दिया मतलब वहां अटेंडेंस लग गई अब खा पी के वो फर्ट से निकल जाते हैं होता है कि नहीं होता है शादियों में ऐसा <laughs> तो एक तो आए हैं विवाह में आनंद लेने के लिए और एक आए हैं विवाह में मात्र खाना पूर्ति के लिए व्यवहार के लिए तो सा मनुष्य है ना वो सम्मूरचन मनुष्य व्यवहार साचा के लिए आते हैं मतलब अब अब आना तो पड़ेगा क्योंकि पहले पूर्वगत अच्छे परिणाम कर लिए तो आगे क्या करेंगे मनुष्य पर्याय में टिक लग गया बोले हो गई मनुष्य पर्याय और अंतर्मूर्त होती नहीं है कि बस चलो निकल लो भैया ना उन्होंने दूल्हा देखा ना दुल्हन देखी ना ढंग से खाना खाया ना कुछ किया ना उन्होंने कुछ भी नहीं देखा बस लेकिन व्यवहार सच गया ऐसे कर्म भी तुम्हारा व्यवहार सांच लेते हैं व्यवहार संभाल लेते हैं कैसे संभाल लेते हैं कि वो कहते हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया तो मनुष्य गति में पहुंचा देंगे लेकिन तुम मात्र जाओगे बाद में तुरंत वापस आ जाओगे हाँ बोलो दिनेश भाई क्या कह रहे हो वो मनुष्य गति का आयुष्य बंद होता है वही टाइम स, टा, समय का भी आयुष्य बंद नहीं हो जाता है क्या उसमें दो होती मनुष्य आयु बंद ही का होता है लेकिन स्थिति में उत्कर्षण होता रहता है, है ना जैसे राजा ने जब बांधी थी तब तो तैती सागर बांधी थी में जब निरंतर भगवान के साथ में रहे तो घटती गई घटती गई तो चौरासी हजार बची अच्छा, हाँ, तो ऐसे मनुष्य में भी होता है मनुष्य गति गतिबंध फिक्स होता है बंद के परिणामों से कम ज्यादा होता रहता है तो अगर आपने okay. जीवन में एक बार ही थोड़े समय के लिए अच्छे परिणाम किए बाद में आपने उसका विचार नहीं किया तो कर्म भी अपना व्यवहार निभा लेते हैं और कर्म कैसा व्यवहार निभाते जो मैंने आपको बताया कि चलो भैया तुमने थोड़े से अच्छे परिणाम किए थे मनुष्य गति तो मिलेगी लेकिन लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारी वो मनुष्य गति नाम मात्र की होगी कैसी होगी नाम मात्र की और ऐसे आपको जानकर आश्चर्य होगा अपने अधिकतर भाव मनुष्य पर्याय के अपने अधिकतर भाव ऐसे ही जाते हैं बात समझ में आई कि नहीं आई देख रहे हो ना समझ लो आगे अपन पढ़ते हैं तो अंतर मुहूर्त मात्र की आयु जगन मतलब चुटकी मात्र में जिनका जीवन पूरा हो जाए अरे आज भी विज्ञान भी जिन जब कहता है कि भैया इसका जीवन पूरा हो गया है, अबॉर्शन हो गया तो वो भी हमें दो दो तीन तीन महीने बाद पता चलता है लेकिन यहां तो कह रहे दो तीन महीने नहीं आपकी मनुष्य पर्याय पूरी हो जाएगी तो भी किसी को पता नहीं चले ऐसी भी मनुष्य पर्याय होती बात समझ में आ रही ना ये अंतर जो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी भ्रांति भ्रांति होती होती है होती है कैसी कि जो आ, आ क्या कहते अपर्याप्त तो मनुष्य आयु होती है ना अपर्याप्त तो मनुष्य आयु वो किसकी होती है बोले जिन जो दो तीन महीने के बच्चे होते हैं ना अब हो जाते हैं बराबर गर्भ में ही जिनका अबोर्शन हो जाता है वो वो अपर अरे नहीं वो पर्याप्त तो थे अरे तुम्हें खबर नहीं है जैन धर्म की सूक्ष्मता की वो पर्याप्त बच्चे थे अपर्याप्तक तो खबर ही नहीं पड़ती माँ को और अंतरमूर्त मनुष्य जन्म लेकर मर जाए। बोलो ऐसा है संसार का स्वरूप और ज्यादातर हम लोग कौन सा लेते हैं अपर्याप्त पर्याप्त तो भाग्य से कभी कभी बनते बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आ कहाँ जाएंगे हम सोचो तो जरा आ ये मनुष्य पर्याय आपने को मिली है कितनी बेदर्दी से हम लोग इसका बिताते हैं कभी विचार भी नहीं करते कितने अर्थ ध्यान कितने रोध ध्यान कितना राग कितना देश कितने दुर्विकल्प कभी विचार करते हो कि मनुष्य पर्याय मतलब मानुष पर्याय जिनवाणी विधि गए न मिले सुमड़ि जो उधर ही समानी ये बात ख्याल में आती आए तो भाई संसार नहीं चले संसार चल रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये बात ख्याल में आई नहीं है ठीक है ना देखो आगे अपन पढ़ते हैं अब जरा अपन थोड़ा उससे वैराग्य रस से भक्ति के रस में जाते हैं और अकृत्रिम चैत्यालय आदि जो हैं उनकी जरा अपन विचार करते हैं चलिए तो एक और सूत्र वो रह गया चलो त्रिय थर्टी नाइन नंबर का सूत्र पढ़ लो त्रग जानांच बोलिए त्रग योनी जानांच एक बार और बोलो त्रयज्ञोनि जानाच हां जानांच त्रयज्ञोनि जानामच आदि जाना हां कि त्रयज्ञोनी वाले जो होते हैं एक तो हो गए मनुष्य योनी ठीक है ना मनुष्य योनी की चर्चा की उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी तीन पल और जगन्यायवंतर्मुंड त्रयज्ञोनि जानाम कि जिनकी योनी त्रयंच है अपनी भाषा में कहें जो त्रयंच गति के जीव हैं उनकी भी च मतलब आचार्य कितने शॉर्ट में बोलते हैं बराबर जैसे किसी ने बोला साहब लगन में बुलाया है उनको बुलाया है हमारा क्या हुआ तुम भी आगे नहीं बोलेंगे लगन में आना कि नहीं आना कि दो आना कि चार आना कि छह आना कुछ नहीं बोलेंगे क्या बोले तुम भी चा, चा का मतलब क्या होता है पण तो त्रियगी होनी जाना, मतलब जिनकी त्रियंश होनी होती है उनका भी चा उनका भी ऐसा समझना चा का मतलब समझना हुआ है एम एवो समझ, जो। सु समझ कि बस, क्या पढ़ा था अपन लासुत में उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम और जघन्य आयु अंतर्मूर्त ठीक है ना समझ में आया कि नहीं आया आ, तो इनकी भी आयु की यहाँ पे तो बात होती है अब अपन जरा और आगे चलते हैं ये सूत्र क्लियर हो गया लगभग अपने इस अध्याय के सूत्र पूरे हो गए लेकिन अभी कुछ चीजें जानना बाकी है मध्य के संदर्भ में वो अपन जरा नजर करते रहते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जिसे अपन कहें कि मध्यलोक में कितने अकृत्रिम चतर आदि हैं ये सब आज जानने को आपको मिल सकता है अगर समय और इसमें सब ठीक रहा तो देखिए छह कर्म पहले नंबर क्या होते हैं जो अपन बार बार कर्म भूमि कह रहे हैं अभी कर्म भूमि में छह से ज्यादा भी बहुत सारे कर्म हो गए ये कर्म भूमि है ना ये छे पर अटक नहीं रही है ये जितने प्रकार के कर्म है वो सब बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जाएंगे स्वाभाविक है इसमें सीए का कर्म नहीं लिखा सीए का चलो ठीक है वो तो उसमें आ गया मसीह में आ गया डॉक्टर का कर्म नहीं लिखा फिर उसमें इंजीनियरिंग का कर्म नहीं लिखा फिर इसमें जो क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें जो नई नई हो रही है दलाली का ब्रोकरेज का ये कर्म नहीं लिखा ये भी चल रहा है कर्म कुल मिला के छह तो वहां पर बताए थे आज अगर आप देखेंगे एक संशोधन के दृष्टिकोण से तो आपको बहुत सारे नए नए कर्म दिखाई देंगे बराबर सरल भाषा में कहा जाए तो प्राचीन समय में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो प्राचीन समय की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन शट कर्मों के माध्यम से कंप्लीट हो जाती थी अभी जो अर्बन कल्चर डेवलप हुआ है शहरी सभ्यता विकसित हुई है उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के कर्म डेवलप हो गए हैं बराबर सोशल मीडिया नाम का कर्म हो गया है जिसमें ना जाने कितने कितने प्रकार से आपके काम होते रहते हैं तो ये छह कर्म कौन कौन से पहले वो समझ लीजिएगा पहले नंबर क्या बोला असी असी मतलब असी मतलब होता है तलवार तो जहां पर तलवार आदि चलाने की शिक्षा दी जाती है दी जाती है ना पहले क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी अभी असी का मतलब तलवार होता है अब यहाँ पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा अस्त्र क्यों टैंक चलाने की शिक्षा भी दी जा रही है एटम बम चलाने की शिक्षा दी जा रही है रॉकेट लॉन्चर चलाने की शिक्षा दी जा रही है कितने टाइप का डेवलपमेंट हो गया था तो जो जो भी सुरक्षा संबंधी कर्म है वो अशी कर्म कहलाता है मसी मसी मतलब क्या हुआ मसी मतलब होता है कौन बताएगा मसी मतलब है कोई बताएगा अच्छा लगेगा मुझे बताओ मसी कर्म किसे कहते हैं लिखाई मसी मतलब होती श्या बराबर मसी मतलब क्या होती शाही। पहले के समय में लोग श्या में लिखते थे ना अब हो गया वो कंप्यूटर कर्मो <laughs> 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 मतलब आज का जो आ, क्या कहते हैं कंप्यूटर वर्क है टाइपिंग वर्क है वो सब इस इस डिपार्टमेंट में आएगा कि जहां पर आप शाही यानी लिखा पढ़ी लेखन आदि का, का काम करते हैं बराबर वो किस कर्म के अंतर्गत आता है मसी कर्म के अंतर्गत आता है ठीक है कृषि एग्रीकल्चर ये तो बड़ा सरल सी बात है इसमें मुझे विस्तार नहीं करना विद्या विद्या मतलब क्या होती है कर्म, कर्म? शिक्षण अब आप चाहे वो साइंस का शिक्षण दो चाहे होम साइंस का शिक्षण दो चाहे आप कॉलेज के प्रोफेसर बनो चाहे प्री प्राइमरी के टीचर बनो अथवा ये भी ना करो तो यूट्यूब पर चलिए आज हम आपको केक बनाना सिखाते हैं चलिए आज हम आपको आजकल जब से लॉकडाउन हुआ ना माताओं बहनों को ये बहुत हो गया बराबर <laughs> इसीलिए तो कहते हैं वो यूट्यूब पे कोरोना की वैक्सीन एक बार अपलोड कोई कर दे फिर तो घर घर लोग कोरोना की वैक्सीन बनाने लगे <laughs> तो जो भी कर्म है जो भी कर्म है विद्या मतलब सिखाने वाला कर्म है वो क्या कहलाता है विद्या कर्म वो आप साइंस से लेकर होम साइंस और साइकिल में पंचर लगाने से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक का जो भी है वो सब विद्या के अंतर्गत आ जाता है बराबर वाणिज्य वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है कॉमर्स जिसे अपन बोले व्यापार बराबर अब व्यापार में भी वो एक सिंपल लारी लेकर घूमने से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी चलाने का काम वो भी क्या है वाणिज्य कर्म ही कहलाता है वणिया वाणिज्य शब्द से ही वणिक शब्द बना और बनिए से बनिया हो गया बराबर लेकिन मैं मैं बनिए की व्याख्या वाणिज्य के साथ नहीं जोड़ना चाहता हूं मैं बनिए की व्याख्या हमेशा ये करता हूं कि बनिए का क्या मतलब है बनिए का मतलब होता है बनिए बनिए बिगड़िए नहीं बनिए का क्या मतलब है बनिए मतलब ऑलवेज अच्छे बनो सच्चे बनो नेक बनो मोक्ष के पथिक बनो ईमानदार बनो, बराबर बनिए सारी क्वालिटियों को आप अपने अंदर में लेकर आइए बराबर वो बनिए है बिगड़िए नहीं ठीक है ना लेकिन सरल भाषा में संस्कृत के एंगल से देखा जाए तो वाणिज्य करने वाले कौन हो गए वणिक और वही वणिक शब्द क्या बन गया बणिया वाणिया बराबर गुजराती में सुणिया અને પાછું મારો એક રવારી મિત્ર છે એમ કે વાણીયા એટલે ભગવાનના ભાણિયા એમ કે વાણીઓને ક્યાં કોઈ કમી હોય ભગવાન વાણીયા એટલે ભગવાનના ભાણિયા એને બધું મળી જાય ઓકે તો એવું વાણિજ્ય કર્મ એક ઓર કર્મ કેતા હૈ શિલ્પ જો કલાએ હે આર્ટ હે સિંગિંગ ડાન્સિંગ બરાબર और जो भी कला है वो सब इसके इसके अंतर्गत आ जाती थी। है ठीक है तो ये छह कर्म है जिसकी शिक्षा आ, भरा, क्या कहते हैं आदिनाथ स्वामी ने सारे लोगों को दी थी इसीलिए आदिनाथ स्वामी को हम उपचार से पंद्रहवा कुलकर भी कहते हैं क्या बोला क्या बोला जैसे कुलकर लोग उस समय की परिस्थितियों का समाधान करके रास्ता निकालते हैं वैसे ही आदिनाथ स्वामी ने भी कर्म भूमि की स्टार्टिंग फेस में कैसे व्यवस्था चलेगी इसका समाधान छह कर्मों के माध्यम से निकाला था तो कर्मों के माध्यम से निकाला था इसीलिए तो तीर्थंकर है लेकिन तीर्थंकर होने पर भी कुलकरों की भांति उन्होंने काम किया इसीलिए उपचार से उन्हें भी कुलकर पंद्रमा कुलकर कहा जाता है क्लियर बराबर अब जो हम हैं मान के चलो एक यात्रा संघ निकालना है जो तीनों लोगों की यात्रा करेगा कि कहाँ कहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है बराबर समझे कि नहीं समझे देखो जरा चित्र में ये आपके सामने पहले नंबर बोरिंग से आंकड़े आ रहे हैं लेकिन आपको उनको पढ़ लेना है एक बार याद करने की टेंशन में आपको नहीं दे रहा लेकिन एक बार पढ़ लो कि जगत में लोक में कितने जिन अकृत्रिम चैत्यालय अकृत्रिम चैत्यालय इट मीन चैत्यालय मतलब होता है पर जो चैत्यालय किसी ने बनाए नहीं है अकृतिम मतलब बनाए नहीं है अपने आप बने बनाए हैं ठीक है ना किसके बने हैं किसने बनाए है, अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं कितने कहाँ पर हैं देखो सबसे ज्यादा चैत्यालय अधोलोक में है अगर हम अपने जजमेंटल व्यू को देखें तो हमारे मन में ये आता है कि सबसे पापी लोग कहाँ रहते हैं अधोलोक में है ना यही जजमेंटल होते हैं ना है? जजमेंटल समझते ना बिना विचारे किसी चीज के बारे में धारणा बना लेना उसे इंग्लिश में एक सुंदर शब्द से बोलते हैं जजमेंटल तो अगर हम अपने जजमेंटल व्यू को लेकर चले तो हमारे मन में ये आता है कि सबसे ज्यादा मंदिर तो हम मध्य लोग वालों के पास में होंगे सबसे बड़े धर्मात्मा हम हैं महावीर की हम संतान हमसे ज्यादा चैत्यालय कहां पर होंगे औ, और उससे ज्यादा होंगे उर्दू लोक में और नारकियों के अधोलोक में तो एक आध भाग्य से होंगे देखो यहाँ कह रहे सबसे ज्यादा आकृतिम चैत्यालय कहाँ पर है अधोलोक में कितने हैं सात करोड़ बहत्तर लाख कितने है? देख लो सेवन करोड़ सेवेंटी टू लैक्स मतलब अधोलोक मतलब नरक नहीं होता है अधोलोक मतलब नरक नहीं होता अधोलोक में भवनवासी भी हैं अधोलोक में व्यंतर भी हैं अधोलोक में बहुत सारे तो उन सब के भवनवासियों के व्यंतरों के घरों में उनकी टेरिटरी में उनके एरिया में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं बराबर उनकी संख्या कितनी है सात करोड़ बहत्तर लाख फिर उसके बाद उर्द्वलोक उर्द्वलोक मतलब ये जो अपने वैमानिक आदि है उनकी कितने चैत्यालय हैं बोले फोर लैक्स नाइन सेवन थाउजेंड और ट्वेंटी थ्री चौरासी लाख संतानवे हजार और तेईस फिर उसके बाद में बचे खुचे कहाँ पर आते हैं मध्य लोक में जिनकी संख्या है बहुत ज्यादा है फोर हंड्रेड फिफ्टी एट और हम सब लोग अहंकारी की सबसे बड़े धर्मात्मा कौन है हम ही है मध्य लोक वाले है? <laughs> ना हम सबसे कम संख्या है लेकिन क्या फर्क पड़ता है अर्दू वालों बालों को मोक्ष जाने का अधिकार नहीं उर्दू वालों को मोक्ष जाने का अधिकार नहीं लेकिन हम मध्य लोक वाले भले ही कम चैत्यालय है तो क्या हुआ हम मोक्ष जा सकते हैं ये सब मिलाकर कितने होते हैं ये सब मिलाकर होते हैं आठ करोड़ छप्पन लाख संतानवे हजार चार सौ इक्यासी इतने चैत्यालय कुल मिलाकर तीनों लोगों में है एक पूजन की पंक्ति है जिसे आप सब लोगों को याद हो जाएगा बसु कोटि सु छप्पन लाख संतानवे सहस चार सत्यायासी जिनके है अकृत्रिम लाइन अक्रिम चैत्यालयों का अर्घ आता है ना तो कौन सी आती है बसु कोटी। बसु शब्द है ना ये बसु मतलब होता है आठ तो आठ कोटी बसु कोटी मतलब आठ कोटी सु छप्पन लाख है ना सु आ, बसु कोटी आठ कोटी लाख बसु कोटी सु छप्पन लाख तो छप्पन क्या हो गया लाख फिर क्या है लाख संता बसु कोटी सु छप्पन लाख संतानवे है सहस तो संतानवे हजार चार सत मतलब चार सौ इक्यासी मतलब एट्टी वन ओके okay? तो कुल मिला के ये ये पंक्ति अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगी ठीक है ना कौन सी पंक्ति बसु को टी लाख संतान सहसे चार सत्यासी ये अक्रिम चतरा की संख्या है चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ये चार सौ सब में कितने कहाँ पर है और थोड़ा आगे क्लियर स्पेसिफिक जाते हैं अपन मध्य लोक पर आते हैं अपने जूम को करते हैं फोकस करते हैं मध्य लोक पर तो मध्य लोक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया अड़ी द्वीप से संबंधित और अड़ी द्वीप के बाहर तो अड़ी द्वीप से संबंधित कितने आते हैं थ्री नाइनटी एट और अड़ीदीप के बाहर क्या है सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन आप इससे पहले करो उससे पहले अगली स्लाइड बता देते हैं कि अड़ी द्वीप के तीन सौ अंठानवे कौन से हैं तो अड़ी द्वीप के तीन सौ अंठानवे में आते हैं पांच मेरु संबंधित थ्री नाइनटी ईश्वाकार पर्वत ईश्वाकार पर्वत कौन सा है याद आया ईश्वाकार पर्वत कहाँ है बताओ बोलो बोलो भव्य आत्माओं है कौन बताएगा इश... हाँ हाँ कौन आवाज दिमी, दिमी आवाज आवैसे. बोलो किसी बहन डॉक्यूमेंट सर्वे चल रहा है <laughs> आ, देखो 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 मैं बताने वाला नहीं पक्का क्लास यही पूरी हो जाएगी ईश्वाकार <laughs> बोलो गजदंत बोलते ना गजदंत अभी याद आया हाँ वो, हा, वो कहाँ है गजदंत पर्वत के सुमेरु हाँ, के ऊपर ऊपर और नीचे उत्तर और दक्षिण के दांत हाँ, ये सुमेरु पर्वत सेंटर में और उसको दोनों तरफ से और उसके उनके अंदर ही कौन सी एरिया होता है उसके अंदर ही जिसे अपन कहें देव गुरु और उत्तर कुरु होते हैं ठीक है ना वहाँ वो भूमिया होती है ये मैप में आपको सब बताया था मैंने हाँ ये ये जो है ना ये चीज़ यहां से वो ईश्वाकार पर्वत है ना देखो ये देखो हाथी के दांत के जैसे दिख रहे हैं ओके okay? चलो चार।, चार उसको छोड़ दो ईश्वाकार पर्वतों को और फिर चार यहाँ से कौन से छोड़ दो आप विजयाधारे मानुषोत्तर पर्वत को ये ये चार चार छोड़ दो बाकी मेरु संबंधी तीन सौ नब्बे तुरंत प्रश्न आएगा अरे पंडित जी पंच मेरु संबंधी तो सोलह होते हैं और अस्सी होते हैं यहाँ पे तो तीन सौ नब्बे कैसे होगा तो बताते हैं एक मेरु संबंधी मतलब एक क्षेत्र संबंधी ऐसा समझना हो उसको ये खुलासा आएगा कि एक मेरु संबंधी सेवेंटी होते हैं देखो मेरू पर होना और मेरू से संबंधित होना ये दो अलग अलग बात है बराबर क्या बोला जैसे आपका भी डिस्ट्रिक्ट होता है ना एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट हो और एक आप उस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो फॉर एग्जाम्पल मेरा डिस्ट्रिक्ट गाँव मेरा गाँव का डिस्ट्रिक्ट रायसेन है तो इसके दो मैं रायसेन में रहता हूँ इसके दो मतलब है एक तो ये मतलब है कि प्रॉपरली जो रायसेन का जिसके पास में आधार है रायसेन में जिसका घर है वो रायसेन में रह रहा है और दूसरा अर्थ क्या निकलता है रायसेन जिले से संबंधित उसको भी क्या बोलेंगे हम रायसेन समझ में आएगी नहीं आया ऐसे ही जब हम बोले मेरू पर तो मेरु पर संबंधी आएगा तो जो एक मेरु संबंधी सोलह चैत्यालय है वो गिने जाएंगे लेकिन जब मेरु से संबंधित कहे जाएंगे तो मेरू का एरिया फिर पूरे जम्बुद्वीप में हो जाता है तो एक जम्बूद्वीप में 78 जगह ऐसी जहां जो मेरू के उस उस मेरू के अंडर में अंडर में आते हैं कौन कौन सी जगह है वो बताते हैं देखो अठहत्तर 78 एट है ए, 78 एट पांच जगह होंगी तो थ्री अगली स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा कि वो एक तो हाँ ये आ गई ना देखो देखो <laughs> और अच्छा, स्लाइड हा, हा, बैक टू तो बैक है तो बैक टू तो बैक देखो तो बताते तो हैं तो मेरू सेवेंटी एट कैसे हो रहे हैं अपन सब जगह चर्चा करके आ गए इसलिए अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बराबर हम्म मेरू पर है सोलह कहाँ पर है मेरू पर एक मेरू में सोलह कहाँ पर आ गए मेरू पर ओके चार वनों में चार चार फिर कुलाचल पर्वत पर एक एक है तो कुलाचल पर्वत आपने देख सुने ना कौन कौन से कुलाचल पर्वत है? हैं हेमवत क्षेत्र हिमवन पर्वत महा हिमवन पर्वत वगैरह वगैरह ख्याल में आया कि नहीं यार फिर गजदंत पर्वतों के ऊपर चार आया फिर विजय थर्टी फोर आया बराबर कहां पर है, है विज्यार्द। विज्यार्द के थर्टी कैसे वो भी अपन ने पढ़े थे कि जितने जितने खंड हैं उन खंडों में हर जगह पहाड़ पर एक विजयार्थ पर्वत होता है विद्यार्थ की तीन श्रेणियां होती बक्सारगरी बक्सारगरी कौन सी है जो विजयार्थ को डिवाइड करती थी विदे को डिवाइड करती थी याद आ रहा है पुराना मैप देखें कि याद आ जाएगा है? कितने कितने लोगों को समझ रहे इस पॉइंट को हुँ? कितने लोग समझ नदी से होते वो ना वो नदी सीन्वा... और हाँ हा, 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 जो, हा, जो नदी के ऊपरी पोर्शन और नीचे पोर्शन में जो विधेयक को नगरियों में डिवाइड किया था तो दो चीजों से कर रहे पर्वत से और नदियों से कर रहे थे तो जो वहां के पर्वत है ना वो वक्षार पर्वत कहे जाए बराबर ऐसे सोलह है बत्तीस को डिवाइड करने वाले सोलह फिर जम्बू वृक्ष जम्बू वृक्ष जो कुल वृक्ष है वो शालमली वृक्ष वहां पे एक शाल वृक्ष है ऐसे करते करते टोटल सेवेंटी एट सेवेंटी एट जगह हैं जो एक मेरु संबंधी होते हैं ओके तो एक मेरु संबंधी 78 एट ये ख्याल में आ गया बोली दिनेश भाई क्या कह रहे थे हाँ ये जंबू द्वीप में ये जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष है हाँ, तो बाकी में भी अलग अलग टाइप का वृक्ष होगा ना हाँ लेकिन वो मोटा मोटी आपका प्रश्न बहुत सही है मतलब जंबू वृक्ष का जो अपन कह रहे हैं वो बाकी मेरुओं में क्या होगा तो बाकी मेरुओं में जहां जहां जो वृक्ष है जम्बू आदि समझ लो आप चलो बराबर बर, बर, बर ना वहाँ पे धात की होगा वह धात की समझ लेना पुष्कर है वहां पुष्कर समझ लेना लेकिन अपने आप एक कुल वृक्ष होता है एक्चुअल में उसका सही नाम अपन जम्बू वृक्ष की बजाय अगर और अच्छा नाम बोले जो निर्दोष हो तो कुल वृक्ष नाम उसका आएगा लेकिन कुल वृक्ष में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए वो जम्बू वृक्ष बोल रहे बराबर कुल वृक्ष मतलब जो जो उस क्षेत्र का कुल वृक्ष है जिसके नाम पर वो क्षेत्र का नामकरण हुआ है वहां पर करेंगे तो ये हो जाता है क्लियर ऐसे करके एक मेरु संबंधी अठहत्तर होते हैं सेवनटी एट अब क्लियर हुआ ना तो 78 एट मल्टीप्लाई बाई फाइव अब उसके बाद में नंदीश्वर दीप के फिफ्टी टू ग्यारहवें नंबर का जो कुंडलवर दीप है ये नंदीश्वर दीप के तो आपको पता होंगे आठवा दीप है अड़ी दीप के बाद में आगे आगे दीप चलते जाते हैं पांचवें नंबर का एक समुद्र क्षीरो दीप आता है फिर गतवर आता है फिर उदीवर आता है वगैरह वगैरह सारे दीप आते हैं तो ऐसे क्रम में आठवें नंबर का जो दीप है उसका नाम है नंदीश्वर दीप काफी बार हमने उसकी चर्चा की है वहां परलय फिफ्टी टू चैत्यालय है और अष्टानिक आदि पर्वों में देवगण वहां भक्ति के लिएवेंथ नंबर का जिसका नाम है कुंडलवर इस कुंडलवर द्वीप पर भी चार चैत्यालय ओके और फिर ऐसे ही एक आता है रुचिकवर तो रुचिकवर द्वीप पर भी चार चैत्यालय यानी अड़ी द्वीप के बाद में सीधे आठवें द्वीप में, में मंदिर दिखते हैं आठवें के बाद में सीधे ग्यारहवें में और ग्यारहवें के बाद सीधे तेरहवें में उसके बाद असंख्यातों दीप वो जिन मंदिर जिनायतनों से रहते हैं क्लियर देखो ये तेरा दीप आदि ये सब रचना यहाँ पे बनी हुई है ये व्यास बताया गया है रेडिय जिसे बोले डायमीटर कि कौन कौन सा दीप कैसा होता है बराबर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो बताते हैं जम पहले जम्बू का एक लाख योजन फिर फिर उसके बाद समझ दो लाख चार लाख ये बहुत फैक्ट है लेकिन इस फैक्ट में एक गड़बड़ी मुझे जो दिखाई दी वो ये है कि यहाँ आठवें के द्वीप का विस्तार एक लाख एक करोड़ तिरसठ लाख सॉरी अः एक सौ तिरसठ करोड़ चौरासी लाख होना चाहिए था जबकि उन्होंने यहाँ तेरासी लाख लिख दिया ये स्लाइड बनाने वालों की भूल है यहाँ एटी थ्री लैक्स नहीं होना चाहिए था एटी फोर लैक्स होना चाहिए क्योंकि इक्यानवे करोड़ बा, बानवे लाख से अगर आप डिवाइड दो को गुणा करेंगे तो एक सौ करोड़ चौसठ चौरासी लाख आता है जैसे कि पूजन में भी आता है पूजन की पंक्ति कोई बोलेगा मुझे ये संबंधी नंदीश्वर दीप का विस्तार जहां पर बताया है। बोलो कौन बोलेगा यस यस वेरी गुड वेरी गुड बहुत सरस हाँ दर्शन बेन आवाज कोसठ महा लाख चौरासिया एक दिश मे ला आठमो द्वीप नंदी स्वरम भास्वरम वाम प्रतिमा नमो सुखकरम बराबर ना तो उसमें भी विस्तार लिखा हुआ आता है एक सौ तिरसठ कोटी मतलब करोड़ और एक सौ तिरसठ कोड़ी है ना फिर लाख चौरासिया ये चौरासी लाख एक दिशी में लाख बराबर ना ऐसा ये ये और ये समझना ये बहुत अच्छी बात एक दिशा का मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक का विस्तार एक सौ तिरसठ चौरासी लाख है यहाँ का विस्तार पुनः अलग है ठीक है ना तो एक दिशा ऐसे डबल होता है मैं आपको कभी जब पहले बताई थी ना रचना कि वो डबल 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 होता है पैंतालीस लाख कैसे निकलते हैं बोले पैंतालीस लाख दो लाख इस तरफ दो लाख इस तरफ ऐसे करके निकलते हैं क्लियर ये बात आई समझ में आ, 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 आ. नहीं आई तो अभी समय नहीं है इतना की और ज्यादा अपन समझाए आगे देखो अब एक और वहां पे प्रश्न आता है कि जो बावन चैत्यालय होते हैं वो कैसे होते हैं वो बड़े सरल से हैं आपने कई बार सुने होंगे कि हर चैत्यालय में सबसे पहले सेंटर में एक पहाड़ होता है जिसका नाम होता है अंजनगिरी कौन सा पहाड़ होता है अंजनगिरी बराबर फिर अंजनगिरी के चारों ओर चार पहाड़ होते हैं जिनका नाम है दधिमुख पर्वत कौन से पर्वत दधिमुख पर्वत फिर उस दधिमुख पर्वत के दोनों तरफ दो दो पहाड़ होते हैं जिसका नाम है रतिकर पर्वत देखो आगे का कोई नक्शा आएगा तो ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे देखो पर्वतों की ऊंचाई पहले आती है ये सब वन होते हैं गुफाएं होती हैं, है ना और ये दधिमुख पर्वत हुआ ये रतिकर पर्वत मतलब हर जगह पर अंजनगिरी आएगी सेंटर में फिर अंजनगिरी के उस तरफ दधिमुख आते हैं दधिमुख के दोनों तरफ ये रतिकर पर्वत आते हैं आ रहे ख्याल में जल्दी